हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट की, तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फ्री रेडिकल्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, और तीसरा होता है न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। ऐसी स्पीशीज जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और न्यूक्लियोफाइल्स हम उनको कहते हैं, ऐसी स्पीशीज को जो होती हैं इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट की, तो अटैकिंग रिएजेंट थ्री टाइप्स के होते हैं। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैंने क्या बताया था, जब कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा हो, एक लोन पेयर कैरी कर रहा हो। ठीक है, फिर होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को कहा जाता है, उन स्पीशीज को जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूक्लियोफाइल्स हम उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, भरमार है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए ये बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगी ना, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इन द सेम वे न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिच होते हैं ये, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम चैप्टर की, तो वहाँ पे हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वहाँ पे हम अरहेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, लुइस कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट, एसिड्स हमारे वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो लुइस बेस होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम बात करें H+ की, तो H+ में हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लुइस एसिड। अगर हम बात करें अमोनिया की, ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये डोनेट कर सकता है, तो ये कहलाएगा लुइस बेस। ठीक है, तो जो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, उन्हें हम लुइस एसिड भी कहते हैं। और वो स्पीशीज हमारी जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स, उन्हें हम लुइस बेस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, मार्क इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मान लीजिए अगर मैं इन्हीं दोनों की रिएक्शन करा दूं, मान लीजिए मैंने अमोनिया की और H+ की रिएक्शन कराई, तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन जो है, देखिए अमोनिया जो है, नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट। अब जैसे इसको दिखाई देगा कि रिएक्शन मीडियम में कोई ऐसी स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, और ये उसके साथ बना लेगा बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ने क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया है, तो इसलिए इस पर कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं NH4+। ठीक है, अब क्योंकि अमोनिया ने लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लुइस बेस। H+ ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लुइस एसिड। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है अमोनिया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड थ्योरी लिख देती हूँ, आप उसे नोट कर लेना, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज।
अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रो मीन्स यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फाइल्स मीन्स लविंग. तो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज. ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख भी रखा है अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल को ना हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है, ई प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होता है. और दूसरा क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स. पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही पता चल रहा है, पॉजिटिवली चार्ज का क्या मतलब है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल तो देखो बहुत सारे होते हैं, मैं लिख देती हूँ थोड़े बहुत, जैसे कि एच प्लस है, सी एल प्लस है, बी आर प्लस है, ठीक है, आई प्लस है, H3O प्लस है. तो ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होते हैं, AlCl3, BF3, SO3 एक्सेट्रा. अब ये समझने का, इसमें तो आपको पता ही चल रहा है प्लस चार्ज जहां पे आएगा मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है. ठीक है, जैसे कि AlCl3 को मैं समझाती हूँ, आसान तरीके से समझाती हूँ. देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13. पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 3. तो एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3. ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17. पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 7. तो क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, और 3 क्लोरीन है, तो मैं यहां पर 3 क्लोरीन रिप्रेजेंट कर रही हूं विथ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, सभी में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो आप ये देखिए, अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें, तो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. देखो अब क्लोरीन के हो गए 8, इस क्लोरीन के भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन. बट अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो उस बेचारे के 8 नहीं हुए, उसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी भी, 6. तो उसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल. तो दे आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इन पे कोई चार्ज नहीं है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, BF3 का एग्जाम्पल देखते हैं. बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5. पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 3. तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9. पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 7. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 होते हैं. ठीक है, तो हमने यहां पे फ्लोरीन दिखाया. ठीक है, अब फ्लोरीन जो है उसके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, बट बोरोन के देखो कि बोरोन के हुए क्या 8, बोरोन के हुए 8 नहीं, बोरोन के कितने हुए, बोरोन के अभी भी क्या हुए, 6. तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यही लुईस एसिड की तरह भी एक्ट करेगा. ठीक है, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफाइल्स. तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. ठीक है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग.
तो दे आर न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, और ये एक एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट एक लोन पेयर कैरी करते हैं, एक से ज़्यादा लोन पेयर भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इनके अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं NU से, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की, तो न्यूक्लियोफाइल्स को हम दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स और दूसरे होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन है पर वो कोई चार्ज नहीं कैरी कर रहे। तो इसमें कैसे आते हैं, जैसे कि वाटर आ गया, वाटर में ऑक्सीजन के पास देखिए दो दो लोन पेयर है, ठीक है, बट इस पे कोई चार्ज नहीं है। अल्कोहल हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, तो ये सब होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अगर हम बात करें नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स की, तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो है साथ के साथ वो नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयन OH-, क्लोराइड आयन Cl-, ठीक है, Br-, F-, I-, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, साइनाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। तो आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, पता चले पेपर में आ रहा है, डिफरेंस लिखिए बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये डोनेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, न्यूक्लियोफाइल्स लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रोफाइल्स आपके न्यूट्रल या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं जबकि न्यूक्लियोफाइल्स आपके न्यूट्रल या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल में कम से कम एटलीस्ट एक एम्प्टी ऑर्बिटल तो जरूर होता है और न्यूक्लियोफाइल्स में एटलीस्ट एक लोन पेयर जरूर होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे बात हो रही है कि कम से कम एक तो होता ही है, ठीक है, नोट करिए इसे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।